तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मनवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना एक कार का शॉप दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं चैंग कार परचेज करने के लिए आया होता है। वहीं पे जो मैनेजर होता है ना, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है ये तो लड़का टाइप का है। तो वो एक लड़की को कहता है कि जाओ जाके तुम जाके उसे हाई हेलो करो। फिलहाल हम देखते हैं वो आती है, चैंग पूछ रहा होता है आखिर इस कार की कीमत कितनी है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हेलो ब्रदर चैन, हम फिर से मिल गए। अब वो जो लड़की होती है ना, वो चैंग को पहचान जाती है। चैंग कह रहा होता है कि ओह तुम तो दूसरे शॉप पर काम किया करती थी ना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ उस कंपनी ने ना मेरे को निकाल दिया। अब वो ये बात बोल रही होती है, चैंग कह रहा था कि अच्छा ऐसा है क्या। फिलहाल हम देखते हैं चैंग अंदर कार की तरफ आके बैठता है और चेक कर रहा होता है कि आखिर जो कार है वो कैसी है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो देख रही होती है, कह रही होती है कि यार ये कितना बंदा अच्छा है। फिलहाल वो बता रही होती है कि मेरा जो पहली कंपनी का जो मैनेजर था ना, वो मतलब मेरे साथ ना डिनर पर जाने की कोशिश कर रहा था, और वो कह रहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाऊँ और उसके साथ में मतलब वो यही सारी बातें बता रही होती है। कह रही होती है कि इनफैक्ट उसकी ना ऑलरेडी मतलब शादी वगैरह हो रखी है और मैं उसकी लवर तो नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने मना कर दिया और फिर इसने कोई ना कोई रीज़न देके ना मेरे को कंपनी से ही बाहर निकाल दिया। अब वो ये सारी बात बता रही होती है। चैंग कह रहा था कि लेकिन तुम्हारा तो कोई यंग बॉयफ्रेंड था ना उस टाइम पे, वो कहाँ पर है। वो कहने लगती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरे मतलब मेरा क्लासमेट टाइप का था। वो बताने लगती है, कह रही होती है कि जब मैं काम कर रही थी ना, तब वो भी मेरे साथ काम करता था, लेकिन जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ना वो गाँव में चला गया वापस। और उसने मेरे को ही बोला कि मैं उसके साथ चल लूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को यहीं पर काम करना है और वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं चैंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तो फिर तुम क्यों नहीं गई उसके साथ में। अब वो लड़की कह रही होती है कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे को होम टाउन जाना पसंद है नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मैं जैनी में ही रहूँ, और क्योंकि जैनी बहुत सुंदर है ना, और मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, यहीं पे ही मतलब रहना चाहती हूँ। फिलहाल चैंग सोच रहा होता है आखिर जो ये मिंगराउन जो लड़की है ना, इसके मतलब जो इरादे हैं बहुत एम्बिशियस टाइप के हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, और इतनी यंग है और इतनी सही मेहनत वगैरह कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं मैनेजर आता है, क्या रहता है कि जैंग जाओ उधर एक कस्टमर है, जाके उसको देख कर आओ, उसे भी कार लेनी होगी। फिलहाल वो पर्सन देख लेता है क्योंकि जो चैंग है वो कार खरीदने के लिए आ चुका है। वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि उसे लग चुका है कि आप ना कार परचेज करने वाले हो, इसलिए वो मेरे को हटा रहा है यहाँ से ताकि मैं दूसरी जगह पर जा पाऊँ। चैंग कह रहा होता है क्या ऐसा भी होता है यहाँ पर। अब चैंग को यहाँ पर पता नहीं होता कि जो मैनेजर होते हैं वो बदनामी टाइप के होते हैं। वो कहने लगते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिलहाल चैंग उससे पूछ रहा होता है कि तो तुम जेने में रहने के लिए बहुत सारा पेमेंट वगैरह करती हो क्या। अच्छा ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ वेल मैं कभी ना कभी तो सक्सेस हो ही जाऊंगी, ठीक है बाय बाय टाटा। अब वो बाय बाय टाटा करती हुई जा चुकी होती है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि मेरे को ये वाली कार परचेज करनी है। उसने रेड कलर की कार ली होती है जो कि मतलब बहुत सुंदर होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह बड़े भैया वाह वाह, तुम इतने यंग हो और अभी से इतनी अच्छी कार, वाह वेरी नाइस। अब वो हाथ वगैरह मसल्ला होता है। तभी हम देखते हैं चैंग उस सिग्नेचर वगैरह पे देखता है, कह रहा था क्या मेरे को यहाँ पे भी लिख देना चाहिए। वो बंदा मना कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ना रेफरेंस वगैरह लिखा होता है ये आखिर इस पर्सन ने किसकी सर्विस ली है। लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि ठीक है फिर रहने दो, मैं खुद से लिख देता हूँ। अब चैंग ऐसा बोल रहा था, वो बंदा कह रहा था कि उप्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत पोलाइट हो रहे हो। लेकिन हम देखते हैं भाई चैंग ने ना उस पे मतलब अपना नाम मतलब उस लड़की का नाम लिखा होता है इस मैनेजर की बजाय। वो बंदा कह रहा था कि आप मजाक कर रहे हो। चैंग कह रहा था कि कुछ भी नहीं बड़े भाई, देखो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ जो गेम है वो खेलने का, ठीक है, और मैं बस उस यंग सोल को बचाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं सीन से पुत्रा में दिखाई देता है कि जो चैंग होता है वो कार में होता है और उस एरिया से निकल चुका होता है। वहीं पर कॉल आती है उसके पास, वो जो लड़की होती है थैंक यू बोल रही होती है। चैंग कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, कमीशन है तुम्हें भी मिलना चाहिए, ठीक है। वो लड़की कह रही थी थैंक यू सो मच, अगर आप में ऐसा नहीं करते तो फिर मेरे को इस कंपनी से भी जाना मतलब हाथ धोना पड़ता। चैंग कह रहा था कि वैसे तुम मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी अच्छी है, फिर भी तुम मतलब ये सब क्यों कर रही हो, और वैसे तुम क्या मुझे फ्यूचर में फॉलो करने वाली हो। वो लड़की कह रही थी कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें करूँगी, तुम्हें जब भी कभी भी मतलब हेल्प वगैरह हो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ूंगी भी और मतलब बहुत मेहनत करूँगी। अब चैंग इस बात सारी बातें सुन के ना मतलब खुश टाइप का हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए मैं अपॉर्चुनिटी जरूर निकालूंगा। अब इस टाइप की बातें हो रही होती हैं और हम देखते हैं सीन से पुतार में ना दिखाई देता है कि जो चैंग होता है वो सायू के स्कूल मतलब कॉलेज में आ चुका होता है, जो चैंग के ठीक सामने वाला होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी फ्रेंड के पास में जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसके साइन वगैरह करवाने के लिए आया होता है, मतलब डॉक्यूमेंट देखने के लिए आया होता है। वो कह रहा होता है कि देखो मैं एक शॉप के पास से जा रहा था तो मेरे को वो चीज़ मिल गई पेस्ट्री, तो देखो खा के बाकी टेस्ट बता देना तुम, ठीक है। वो लड़की कह रही थी कि ओ नया नई कार। चैंग कह रहा था कि हाँ मैंने मेंशन किया था ना तुम्हें, तुम आराम से बैठो इतने में मैं ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कि आखिर कैसा लिखा हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सीसी, वो चैंग को देख रही होती है अच्छे से। अब वो ध्यान से देखती है, कह रही होती है कि अरे वाह पैसा भी है, थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा नॉटी भी है, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी दिखाई देता है। फिलहाल मुझे नहीं पता आखिर ये लड़की इतना ध्यान से क्यों देख रही है चैंग को। चैंग हम देखते हैं चैंग का जो कॉन्टैक्ट पेपर है वो अच्छे से पढ़ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ना बस साई और इसका मैचअप करना है, आखिर मैं कैसे करूँ मुझे नहीं पता। अब चैंग पढ़ता है, उसे नोटिस होता है कि वो जो इसके अंदर डिटेलिंग लिखी होती है ना बहुत ही बढ़िया लिखी होती है। वो कह रहा होता है कि इसके अंदर तो मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट है ना पार्ट टाइम वाले उनके लिए भी काम में है, तो ये मेरे पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा है। अब वो सारी फाइल को मतलब अच्छे से पढ़ने लगता है बहुत तेज़ी तेज़ी से।
तभी हम देखते हैं वो आईने से ऊपर देखता है, वो जो लड़की होती है वो भी ब्लस कर रही होती है और वो खा रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग पूछ रहा होता है कि तो बताओ इसका टेस्ट कैसा है। वो लड़की कह रही होती है कि वैसे ही मैं बता दूँ तुम्हें कि जो लड़कियाँ होती हैं ना उन सबको स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, तो फिर मैं अपने रूममेट को लिए भी लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती है, चैंग कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि वैसे मैं तुम्हें ना अपने रॉकेट 101 के लिए इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, तो क्या तुम अग्री करती हो सीसी, बताओ। अब वो जैसी बात बोलता है ना, सीसी कह रही होती है कि है मैं अग्री, अरे नहीं नहीं देखो। अब उसे लग रहा होता है कि ये सीसी ने बनाया, बट ऐसा होता नहीं है। वो बता रही होती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, देखो तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगे नहीं। चैंग कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सीसी, वो बता रही होती है कि जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है ना ये मैंने नहीं, ये तुम्हारी लिटिल फिश ने बनाया है। अब वो जैसी बात बोलती है वो बंदा सोच रहा होता है क्या ये साइयो ने बनाया है। अब हमें दिखाई देता है कि जो साइयो होती है ना वो दिन रात मेहनत करके उसका डॉक्यूमेंट वगैरह बना रही होती है अच्छे से, मतलब ब्रीफ में जाके। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि वो लाइब्रेरी में जा चुकी होती है और लाइब्रेरी का जो टाइम होता है वो भी अप हो चुका होता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, वो कह रही होती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं जो साइयो होती है ना वो अपने हॉस्टल में आ चुकी होती है। अब वो आती है, देखती है कि भाई लाइट वगैरह बंद हो चुकी है। वो कह रही होती है कि यार इतनी जल्दी सब लोग सो गए, शिट शिट। फिलहाल हम देखते हैं साइयो अपने हॉस्टल में आती है और लाइट वगैरह ऑन करती है। अब वो मतलब जो लैम्प होता है ना उसके उजाले में पढ़ रही होती है, मतलब पढ़ने रही होती है, मतलब उसके लिए काम कर रही है एक्चुअली में। फिलहाल हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना रही होती है इतनी देर रात तक। तभी हम देखते हैं सीसी जागती है, कह रही थी अरे साइयो तुम्हें सोना नहीं है क्या, देखो बहुत लेट हो चुका है। हालांकि अभी 1 भी नहीं बजे होते और मैं भाई कम से कम 3 से 4 बजे तक जागता हूँ कभी कभार, डेली नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है अरे नहीं नहीं मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वैसे क्या मैं तुम्हारा कल का ब्रेकफास्ट ले सकती हूँ क्या। वो कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक जो मैम होती है ना वो एक लड़के को डांट रही होती है कि आखिर तुमने इतना गंदा असाइनमेंट क्यों बनाया है, तुम्हें ग्रेजुएट नहीं होना क्या। अब वो बंदा रोता रोता बाहर आ रहा होता है, साइयो ये देख रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि प्रोफेसर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तो मेरे को आपके लिए थोड़ी मतलब एक रिक्वेस्ट थी। प्रोफेसर कह रही होती है कि देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अब वो ऐसी बोल रही होती है मतलब रूडली बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं साइयो चुपचाप बस खड़ी होती है, अब वो उन्हें देख रही होती है कि आखिर ये कब फ्री होंगी। तभी हम देखते हैं जो प्रोफेसर होते हैं ना वो अपने काम में बिजी होते हैं। अब वो अपना काम कंटिन्यूसली करे जा रहे होते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। अब 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं प्रोफेसर नोटिस करती है कि वो जो लड़की होती है ना वो अभी भी वहीं पर ही होती है। वो कह रही होती है अरे तुम आखिर गई क्यों नहीं। वो बता रही होती है कि देखो आपने कहा था ना कि आप बिजी हो इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी कि आप कब फ्री होगी तो मैं आपको बात करूंगी। अब वो जैसी बात बोलती है ना प्रोफेसर सोच रही होती है कि यार ये लड़की पागल है क्या, इसने अभी मतलब बहुत दिनों से खाना नहीं खाया होगा। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है फिर बताओ मेरे को। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अच्छा डॉक्यूमेंट दिखाना जरा मेरे को। अब चैंग उसको डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ने लगता है। अब वो जो लड़की होती है ना जैसे वो बता रही होती है कि जो पता है तुम्हें जो तुम्हारी लिटिल फिश है उसने फ्रेशर पार्टी भी मिस कर दी, उसने सारा काम मिस कर दिया अपना तुम्हारे काम के लिए। वो ना तुम्हारे काम पे इतना ध्यान देती है कि मैं क्या ही बताऊँ, वो अपने काम से ज़्यादा तुम्हारे काम पे ध्यान देती है। चैंग सोच रहा होता है क्या सच में ऐसा है क्या। तभी हम देखते हैं सीसी कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो हुआ कैसे और कब हुआ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो साइयो है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं। तभी हम देखते हैं वो बता रही होती है कि वो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मिस करती है, मतलब दिल से वो दिल से तुम्हें प्रे और प्राउडली फील करती है, पता नहीं लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करती, मतलब कभी मानती ही नहीं है, लेकिन हाँ वो करती ज़रूर है। वो बोलने लगती है कि देखो हमारी एक क्लास है, ठीक है तुम वेट करो मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकालती हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो बताओ जा सकते हो तुम मिलने के लिए। चैंग कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कॉलेज की क्लासरूम का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं क्लास वगैरह चल रही होती है। वहीं पर हमें दिखाई देता है कि जो साई होती है ना वो आराम से चुपचाप बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, मतलब पता नहीं क्यों क्या हो गया ऐसा ही से। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है, अब ये बंदा और कोई नहीं है चैंग होता है। अब वो जैसे आके उसके साइड में खड़ा होता है ना वो देखती है, कह रही थी कि अरे तुम। अब वो उसे देख के ना बहुत ज़्यादा ब्लस करने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पहले तो घबरा जाती है फिर ब्लस करती हुई कह रही होती है अरे तुम यहाँ पर कैसे बोलो। फिर हम देखते हैं मुंडी साइड में करके ना थोड़ा रूडली बात कर रही होती है। चैंग कह रहा होता है अरे कुछ भी नहीं मैं तो बस फिर से वो एक्सपीरियंस करने वाला था जो मैंने लाइब्रेरी में किया था। अब चैंग जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं भाई सारे सारे बंदे उसी को घूरे जा रहे होते हैं और यहाँ पे रेड रेड टाइप का ऑरा बन चुका होता है, अभी भी सब लोग बस उसी को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो चैंग होता है वो कह रहा होता है कि तो क्या ये तुमने किया है। अब जो साई होती है वो घबरा जाती है, कह रही थी क्या तुम्हें सीसी ने बताया। चैंग कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे को किसी ने बताया, जो इसके अंदर की स्मेल है ना वो मैं समझ सकता हूँ मतलब पहचान सकता हूँ, ठीक है मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ। अब वो जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं भाई साई ब्लस करने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है, घबरा रही होती है, कह रही होती है क्या क्या बोल रहे हो तुम ये। तभी हम देखते हैं चैंग भी मुस्कुरा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ तुम्हें मैं फिर से सिंगल हो चुका हूँ। अब वो जैसी बात बोलता है वो फिर से हैरान होती है, कह रही थी क्या क्या तुमने उसे छोड़ दिया। अब साइयो उससे पूछ रही होती है, चैंग कह रहा होता है कि नहीं मैंने छोड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वजह से हम दोनों साथ में मतलब सूटेबल है नहीं अभी फिलहाल के लिए। अब चैंग बोलते बोलते
हंस रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं जो साई होती है वो उसे देख रही होती है और ऐसे घूर रही होती है जैसे मैं क्या ही बोलूँ, फिलहाल वो जैसी घूरती है ना चैंग उसे देख रहा होता है। वो कह रही थी कि ठीक है फिर देखो तुम मेरे पास तब आए हो जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है अगर कोई होता तो फिर तुम मेरे पास नहीं आते, इसका मतलब बेकार है मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वो ये बात बोलती है उठ के जाने लगती है। चैंग कह रहा था क्या ये कोई बात है, ये कोई मतलब सेंस है इस बात का। फिलहाल हम देखते हैं वो बैठ के बस चिल्ला मतलब चिल्ला ही रहा होता है और जो साई होती है वो चुपचाप जा चुकी होती है। तब एक पर्सन आता है उसे दिलासा देने के लिए, कह रहा होता है कि भाई देख जो होप है ना वो छोड़ मत, ठीक है तू पता है किससे रिजेक्ट हुआ है, तू साई से रिजेक्ट हुआ है मैं बता रहा हूँ तेरे को, आराम से तसल्ली से दिल पर मत लियो, ठीक है। अब वो दिलासा दे रहा होता है मतलब चैंग को। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि ठीक है फिर अगर वो जा चुकी है तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रुक के, और कोई कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे रुकने का। अब हम देखते हैं चैंग भी ना ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं साई सोच रही होती है कि मैंने इसे एक चांस दिया और इसने यूज़ भी नहीं किया, कह रहे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं सीसी भी आती है, वो कह रही होती है क्या वो गया। अब वो बेचारी ये पूछती है लेकिन हम देखते हैं जो साई होते हैं ना वो कुछ बोलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अब जो सीसी होती है वो उस अपनी फ्रेंड को देख रही होती है कि साई कितनी उदास है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि जो साई होती है ना वो गुस्से में रोने भी लगती है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं सीसी उसे संभाल ली होती है, कह रही थी कि बेटा चुप हो जा, रहा है देखो ये बात नहीं कोई बात नहीं, इसने 2 हफ्ते तक काम किया चैंग के लिए और फ़ायदा क्या हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे ये पहली बार मिल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं जीबू कह रहा था कि यार बहुत रेयर है कि तुम मेरे पास आए हो यहाँ पर लंच वगैरह करने के लिए, वो भी रेस्टोरेंट में, कह रहे यहाँ का डिनर काफ़ी अच्छा है। वेल मैं बता दूं आज हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है तो तुम जो कार है ना अपनी मेरी स्कूल में पार्क कर देना और हम तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में चल के सोना, ठीक है। चैंग कह रहा होता है कि ओके। तभी हम देखते हैं जो जीबू होता है वो 2-3 ऑर्डर वगैरह दे देता है। चैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई इनके पास 4 मतलब टोटल बोतल होती है और 2 चखना वगैरह होता है मान के चलो ऐसा। जीबू कह रहा था कि ये चलो चले ये कम्फर्टेबल, अब मतलब फलाना ढमकाना चल रहा होता है। जीबू कह रहा होता है कि यार बियर बहुत ज़्यादा अच्छी है, चैंग सिगरेट पी रहा है बस और कुछ भी नहीं। चैंग कह रहा था कि हाँ वैसे तुम क्या अभी भी उस लड़की को फॉलो कर रहे हो बताओ। अब चैंग उससे पूछ रहा होता है क्या तुम स्टिल उसके उसे चेस कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे यार क्या यार तुम मेरे को ऐसी बात मत बोल, मैं उसके साथ बस एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। अब ये उसी बंदी के बारे में बात हो रही है जिसको मतलब जीबू लाइक करता है इस टाइप में। चैंग कह रहा होता है कि वैसे खैर छोड़ो मुझे लगता है कि तुम्हें हुआ हैंग जो हुआंग हुई है ना उसके अलावा कोई और सी लड़की पर ट्राई करना चाहिए। अब चैंग जैसी बात बोलता जीबू क्या रहता है कि हाँ बात तो सही है तो तुम किसी को इंट्रोड्यूस वगैरह करवा दो ना, बताओ वैसे गाओ युआन भी सही होगी। चैंग क्या रहता है गाओ युआन देखो उसकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। चैंग ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि तुम गाओ युआन की जगह ना तुम कोई और सी लड़की ले लो, तुम रूबी लिन ले लो। वो कह रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो हैं। चैंग कह रहा था कि अरे देखा तुमने मेरे को पहले छेड़ा था, अब रूबी लिन मतलब जो रूबी लिन है ना सॉरी लिन जो है वो कोई मतलब उस टाइप की लड़की होगी जो कि तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है तो वही यहाँ पे छेड़ा छाड़ी चल रही होती है और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं ये शराब वगैरह निकालते हैं, वो कह रहा था कि चैंग वैसे नेक्स्ट वीक ना हुआंग जो हुआंग हुई है उसका बर्थडे है। चैंग कह रहा था कि अच्छा। वो बोल रहा होता कि तो बताओ मैं उसे आखिर क्या गिफ्ट दूँ। चैंग कह रहा था कि नॉर्मली देखो जो कपल्स होते हैं वो मतलब फ्लावर और चॉकलेट वगैरह दे देते हैं तो तुम क्या देने वाले हो, क्या सोचा तुमने। चैंग कह रहा था कि वैसे बाय द वे वैसे तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो कहाँ तक पहुँचा है, तुम क्या कपल्स वगैरह हो, मुझे लगता है कि तुमने कभी हाथ भी नहीं पकड़ा होगा। अब चैंग ऐसे मतलब पीते हुए उसे छेड़ रहा होता है, वो कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, देखो तुम्हें पता है जब बारिश वगैरह हो रही थी ना तब मैं अम्ब्रेला साथ में लेके जा रहा था उसके तो हमारा हाथ कई बार टच हुआ था समझे। चैंग कह रहा था कि औसम औसम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब फिलहाल भाई इस भाई को कौन बताए, हाथ पकड़ना इसे नहीं कहते, हाथ पकड़ना किसी और को कहते हैं। चैंग कह रहा था कि चलो ठीक है फिर हम टोस्ट करते हैं सेलिब्रेट करते हैं कि तुमने हैंडशेक वगैरह किया है। अब चैंग अभी भी मजे ले रहा होता, तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है किस करो किस करो किस करो, अब इस टाइप की आवाज़ आ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक ग्रुप होता है और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि देखो ये सही नहीं है चलो किस करो, नहीं नहीं ये मत करो प्लीज़ प्लीज़, अरे देखो हमने प्रॉमिस किया है तो तुमने प्रॉमिस किया तो तुम्हें किस करना होगा। अब हम देखते हैं भाई 2 कपल मतलब किस वगैरह कर रहे होते हैं और भाई जो चैंग होता है वो देख रहा होता है, जीबू भी देख रहा होता है, भाई इन दोनों की शक्ल देखने लायक है कसम से। फिलहाल हम देखते हैं दोनों कपल्स ना धीरे धीरे करके पास में आ रहे होते हैं और जैसे तैसे करके ये लोग किस करने लगते हैं। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, कह रहे थे कि डैम इट यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब। तभी हम देखते हैं जीबू कह रहा होता है कि यार क्या करूँ मैं, वांग हुई को मैं पकड़ नहीं पाया, वैसे तुम्हारा वैसा ही है जैसे तुमने साइयू को छोड़ दिया और अब तुम सैन के साथ में हो है ना। सैन देखो अगर तुम्हें मतलब साइयू ने छोड़ दिया और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो फिर तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। अब चैंग यहाँ पे थोड़ा उदास टाइप का दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जीबू ये सारी बातें उससे पूछ रहा होता है। चैंग कह रहा था कुछ भी नहीं पता तुम्हें मेरे और सैन के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है।
जीबू कह रहा था, क्या तुमने फिर से ब्रेकअप कर लिया? अब जीबू ये बात सीधा बोलता है उस पर। अब हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि देखो ये बेटर नहीं करता, तुम्हें तो पता है ना कि वो मतलब उसका नेचर कैसा है, वो मतलब कुछ बोलती ही नहीं है, वो ऐसी है जैसे मतलब अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा के रखती है, वो बाहर ही नहीं निकालती, वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। अब चाहे ये सारी बातें बोल रहा होता दारू पीते पीते। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ उसकी, क्योंकि जो उसकी रियल प्रॉब्लम है वो सामने आती ही नहीं है बहुत लंबे समय तक। अब पता नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मैं उसे बुक वगैरह दे दूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं उससे दूर ही रहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे को बारे में और ज़्यादा जाने। ये बंदा कह रहा था कि तो क्या इसका मतलब तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया है? चैंग कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए ना, खैर हो जाओ खुश, कोई बात नहीं, वैसे जो सैन है और वो मेरी है, ठीक है, और कोई भी उसे छू नहीं सकता। अब चैंग ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, आखिर तेरा ब्रेकअप हो गया और मैं खुश हूँगा? अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं ह्यूमन बींग ही नहीं हूँ। बस कर बस कर। अब जीबू मतलब ये सारी हरकतें कर रहा होता है, वो बंदा कह रहा था कि अरे बस कर तू, मुझे पता है तू अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। तभी हम देखते हैं भाई जीबू हंसने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 तुमने सही बोला, मैं ऐसा ही हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देख सायू चैन, देख आज तू बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन तूने जब बताया तब तू बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। चैन कह रहा होता है कि हाँ तूने सही बोला, पहले मैं खुश था, अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं तुझे बताता ही नहीं। तभी हम देखते हैं जीबू कह रहा होता है कि वैसे चल ठीक है, फिर देखो जब तुम सिचुआन जाना ना तो फिर तुम अपने और उसके बारे में बात करना, ठीक है, मेरे को मत लेके जाना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होगा। चैंग कह रहा था क्यों, आखिर तुम यहाँ क्या करने वाले हो वैसे, बताना ज़रा, और वैसे तुम दोनों ने करा क्या था? अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुमने, तुम्हें पता नहीं क्या, देखो तुम और जो सैन है वो तुम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मैं और जो दादी माँ है और जो छोटी लड़की है, हम दोनों उस बारे में बात कर रहे थे। अब चैंग कह रहा था कि किस बारे में बात कर रहे थे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है जीबू, बताना ज़रा। अब यहाँ पे फिर से हंसी मजाक चल रही होती है, भाई तो दोस्त जब मिले होते हैं तो वह ऐसे ही करते हैं। तभी हम देखते हैं सीन से प्रथम में दिखाई दे रहा होता है कि जो चैंग होता है वो जीबू के हॉस्टल आया होता है। अब हाय हेलो होने के बाद हम देखते हैं जीबू कह रहा होता है कि देखो तुम ना बेड पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा, ठीक है। अब जीबू ये बात बोल रहा होता है चैंग से, लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि नहीं देखो मैं फ्लोर पर सोऊंगा, तुम बेड पर जाके सो जाओ। अब चैंग ये बात बोलता है उससे, वो बंदा कह रहा होता है क्यों? चैंग कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पे बच्चों के बच्चे भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब मैं इन सबको क्रश कर दूँ, ठीक है, नहीं तो ये मारे जाएंगे। जीबू कह रहा था क्या बच्चे के बच्चे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ओ हेलो क्या मतलब है तुम्हारा? अब भाई यहाँ पे फिर से हंसी मजाक चल रही होती है, और क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आराम से सो चुके होते हैं, अब मॉर्निंग हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है यार मेरे हॉस्टल में तो मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और इन लोगों को तो प्रोटेक्ट भी कर रखा है, हाँ हाँ क्या बोलूँ मैं। जीबू भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को आखिर एग्जाम के अंदर इतने अच्छे मार्क्स क्यों मिल गए, मुझे अगर थोड़े कम एग्जाम मिले मतलब मार्क्स मिले होते तो फिर मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर होता, या फिर मैं को ज़्यादा मिलते तो मैं कहीं और होता, शिट मैं क्या करूँ। अब वो ये सारी हरकतें कर रहा होता है। चैंग कह रहा था ये क्या मतलब है तेरा, क्या तू तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे कम मार्क्स आए हैं इसीलिए? वो बंदा हंस रहा होता है, कह रहा था कि और नहीं तो गया। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर आराम से जाना, ठीक है, और ज़्यादा ड्रिंक मत करना, ठीक है, रोना भी मत। अब चैंग कह रहा था कि ठीक है ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैंग अपने काम पे आ चुका होता है। अब वो अपने एरिया में आ चुका होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि रॉकेट 101 के अंदर ना बहुत सारे बंदे आराम से काम वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह लियू पेंगफी और जो क्यू एनिंग है ना वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल भी हो चुके हैं। अब चैंग ये सारी बातें सोचता हुआ आ रहा होता है इनके पास। तभी हम देखते हैं वो आता है, कह रहा होता है कि पेंगफी और सिस्टर क्यू देखो मेरे को आपसे कुछ कहना है। पेंगफी कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या दिक्कत है, क्या मैटर है? अब चैंग कह रहा होता है कि देखो वो जो एयर कंडीशनर है ना उसे हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, फिर वो तुम्हें ना हवा काफ़ी अच्छी देगा, क्योंकि भाई इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आ रहा था काम करते सब करते। जो पेंगफी होता है वो कह रहा था कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, देखो ये ठीक है, वैसे मैं रात को शावर वगैरह ले लूँगा तो वैसा कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है। चैंग कह रहा था यार कोई बात नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर दिया, मास्टर आने वाला है, इंस्टॉल कर देगा वो। गाइस तुम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वगैरह कर रहे हो, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन ना तुम दोनों की वजह से रॉकेट 101 पता नहीं आसमान छूने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब चैंग इन दोनों की थोड़ी बड़ाई वगैरह कर रहा होता है। चैंग कह रहा होता है कि लेकिन थोड़ा छोटा है लेकिन ये लो तुम दोनों के लिए। अब हम देखते हैं वो एक कॉन्टैक्ट पेपर दे रहा होता है, वो कह रहा होता है कि रॉकेट 101 की तरफ से हमारी जो कंपनी है वो तुम्हें हायर करती है, ठीक है, अब तुम अब जो प्रोसीजर है वो देख लो, ठीक है, और कॉन्टैक्ट पे साइन वगैरह कर देना, ठीक है। अब वो साइन करने की बात कर रहा होता है, ये बंदा देखता है कह रहा होता है कि यार अगर हम इसे छोड़ देते तो फिर हमें कंपनसेशन भी मिलेगा बिना किसी रीज़न के, और ये साइन करना ठीक है, अगर मैंने साइन कर दूंगा तो फिर मैं चैंग का हो जाऊंगा हमेशा के लिए, क्या करूं मैं? तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ तो फिर रहने दो, ठीक है, मत करना, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें साइन करना है तो फिर तुम कर सकते हो, ठीक है, 101 के अंदर तुम्हारा स्वागत है। अब वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो पेंगफी होता है ना वो उस लड़की को देख रहा होता है। हम देखते हैं भाई वो जो लड़की होती है ना क्यों, उसने फटाफट साइन वगैरह कर दिए होते हैं और अपना अंगूठा भी लगा दिया होता है, मतलब उंगली वाला। अब हम देखते हैं उसने साइन वगैरह कर दिए होते हैं, पेंगफी बस उसी को देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इसने भी मतलब साइन वगैरह कर दिए होते हैं और अपने जो
फिंगरप्रिंट होते हैं ना वो भी छाप दिए होते हैं। अब चाहे उन्होंने थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट वगैरह करने के लिए और कुछ नहीं, तभी हम देखते हैं वो जा चुका होता है। अब ये लोग बस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो पेंगफी होता है ना वो कह रहा होता है कि सिस्टर क्यों, सीनियर क्यों, देखो मेरे को आपसे कुछ पूछना है। अब वो उसे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर आप एक बार मतलब कभी चैंग को छोड़ दे के चले जाओगी तो फिर मैं भी उसे छोड़ दूंगा। अब वो बता रही होती है कि वैसे जो कंटेंट वगैरह है ना ये काफ़ी सही है और जो चैंग है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे को फोर्सफुली फील भी नहीं हुआ और कोई रीज़न भी नहीं होगा जाने का। लेकिन अब वो लेकिन कर ही रही होती है, जो बंदा होता है पूछ रहा होता है कि लेकिन क्या क्या हुआ, वो बता रही होती है कि पता नहीं जो साइन है ना वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर स्माइल आ गई थी उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जब हमने साइन पे कांटेक्ट किया था। तो तभी हम देखते हैं चैंग भी कुछ सोचता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि यार बच्चे को भूख लग रही है, मेरे को कैंटीन वगैरह जाना पड़ेगा, उसके पेट में गुड़गुड़ टाइप की हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कैंटीन में आता है और कह रहा होता है कि आखिर मैं क्या खाऊँ खाने के लिए। अब चैंग सोच रहा होता है कि आखिर मैं खाने के लिए लूँ तो लूँ क्या, तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, सैन आखिर तुम यहाँ पे क्या लेने वाली हो, क्या तुम ये खरीदने वाली हो। अब हम देखते हैं लेनी और जो सैन से नहीं होती है ना वो दोनों यहीं पर होती हैं, वो कह रही होती है नहीं मेरे को भूख तो लगी नहीं है। अब उसने ना ब्रेड वगैरह ले रखा होता है, वो कह रही होती है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम अपना जो वेट है वो लॉस मत कर देना, नहीं तो जो चैंग है वो मेरे को डांटेगा बहुत ज़्यादा। समझ में आई मेरी बात? अब लेनी उस चैंग को सुना रही होती है, तभी हम देखते हैं चैंग सामने आ जाता है, वो बंदी कह रही होती है कह रही तुमने मुझे डरा दिया था। चैंग कह रहा होता है कि तुमने भी मेरे को डरा दिया था। अब भाई ये दोनों एक दूसरे को डरा रहे होते हैं, जो सैन होती है बेचारी चैंग को देख रही होती है बस। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं है या फिर तुम ब्रेड खाने वाली हो। लेनी बता रही होती है कह रही होती है कि हमारा फेस्टिवल आने वाला है तो फिर मैं अभी भी डायरेक्टर हूँ, ठीक है डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्टूडेंट यूनियन की, ठीक है तो मेरे को बहुत सारे काम करने थे तो मैं इसलिए सैन को यहाँ पे लेके आई थी और हमने खाना अपना जो लंच है वो मिस कर दिया था इसलिए हम यहाँ पे आए थे। चैंग कह रहा था कि हाँ मैंने भी ऐसे ही मतलब कुछ मिस कर दिया, वैसे तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो। अब हम देखते हैं चैंग उससे पूछ रहा होता है कि क्या ये लंच के लिए था, लेकिन हम देखते हैं जो सैन होती है वो मना कर रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है ये लड़की पता नहीं कैसी है, अभी भी इतनी ज़्यादा पतली नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा मोटी है, आखिर इसने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे कर रखा है। चैंग कह रहा था कि वैसे मैंने भी खाना नहीं खाया है। अब चैंग जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं भाई सैन फटाफट उसको फाड़ने लगती है ब्रेड को और फाड़ के मतलब उसे देने लगती है, कह रही होती है कि ये लो इसे खाओ। फिर अब सैन उसे फाड़ के देने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ अगर ऐसी लड़की मिल जाए ना तो प्लीज़ उसे छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है बाय।